today's topic is and that. When there is only one thing, we use this and that. एक चीज जब होती है तब हम क्या यूज करते हैं? This or that. But how can we know where to use this or that? We use this when the thing is near. जब चीज पास हो तो हम this का यूज करते हैं. For example, यहाँ पे गर्ल का पिक्चर है और यहाँ पे हाउस का. तो गर्ल से हाउस नजदीक है या दूर? नजदीक. तो हम क्या यूज करेंगे? THIS. This. We use that when the thing is far. जब चीज दूर होती है तो हम क्या यूज करेंगे? Far. For example, यहाँ पे गर्ल है और यहाँ पे कार है. तो गर्ल से कार दूर है या नजदीक? दूर. तो हम क्या यूज करेंगे? THAT. That. Now open your English textbook. Page number 5. Word and sentence part 2. Look where the child is pointing and underline the correct word. आपको क्या करना है? यहाँ पे child की picture है, उसका pointing आपको देख के कौन सा word सही है उसके ऊपर underline बनानी है. First, this or that is a plant. पर यहाँ पे लड़की का पॉइंट आपको देखना है, तो ये नज़दीक है या दूर? नज़दीक. इसलिए हमने कौन से वर्ड अंडरलाइन की? दिस. सेकंड, दिस और दैट इज माय हाउस. यहाँ पे आपको चॉइस करना है दिस आएगा या दैट. तो आपको पिक्चर देखना है. यहाँ पे लड़की की पिक्चर है, उससे हाउस दूर है या नज़दीक? दूर. तो दूर जब होता है तो हम क्या यूज करेंगे? THAT. दैट, मतलब इसके ऊपर अंडरलाइन आएगी. फिर यहाँ पे लड़के की पिक्चर है और यहाँ पे एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन नजदीक है या दूर? दूर. दूर हो तो क्या आएगा? THAT. दैट, दैट इज एन एरोप्लेन. ये पपैया की पिक्चर है और लड़की पपैया से दूर है या नज़दीक? दूर. तो क्या आंसर आएगा? THAT. दैट, दैट इज अ पपैया. फिर ये पॉट की पिक्चर है, तो पॉट नज़दीक है या दूर? नज़दीक. तो क्या आंसर आएगा? THIS. दिस, दिस इज अ पॉट. ये एलिफेंट है, तो वो दूर है या नज़दीक? नज़दीक. तो उसमें भी आंसर हम दिस लिखेंगे. THIS. THIS. दिस इज एन एलिफेंट.